जिनमें 9 का ताल्लुक पंजाब, 2 का खैबर पख्तूनख्वा, 3 का सिंध और 4 अफराद का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, जबकि 9 अफराद को पाकिस्तानी शनाख्ती दस्तावेजात न होने के बाद वापस कर दिया गया। मेजर जनरल एमन बिलाल सफदर आज एफसी साउथ बलोचिस्तान तैनात कर दिए गए। मेजर जनरल एमन बिलाल सफदर सर्विसेज में भी वतन अजीज के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। बलोचिस्तान के इलाके लसबिला के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलटने से 14 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर मकामी अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया। ईडी के मुताबिक लसबिला कौमी शाहरा खीर गोलाई के मकाम पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच कराची से क्वेटा की जानिब रवाना थी कि तेज रफ्तारी के बायस उलट गई, जिसके बायस 14 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू और ईडी एम्बुलेंस पहुंचकर जख्मियों को सिविल अस्पताल लसबिला और रेस्क्यू सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। कलाम में सर्दी की शिदत अब भी बरकरार, शदीद सर्दी के बायस पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दर्जाए हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।